दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के तीन ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें नंबर तीन पे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर हमें काफी बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स पार्क को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक पार्क के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि लॉजिस्टिक्स पार्क बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर काफी बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के सामान को स्टोर किया जाता है और इस अलग अलग प्रकार के सामान को लॉजिस्टिक पार्क के इस्तेमाल से इंडिया के अलग अलग भागों में ट्रांसपोर्ट यानी कि भेज दिया जाता है। तो यानी कि जो लॉजिस्टिक्स पार्क होते हैं वो सामान को इंडिया के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर आपको काफी ज्यादा संख्या में लॉजिस्टिक्स पार्क देखने को मिलते हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी कारण दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर NHAI के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को महाराष्ट्र के नागपुर में डेवलप किया जाने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यानी कि इस लॉजिस्टिक्स पार्क में आपको सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट के मोड देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में आपको रेलवे की भी फैसिलिटी मिलेगी और हाईवे की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा इस नागपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एयरपोर्ट से भी काफी ज्यादा नजदीक बनाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को 673 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इस पूरे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को 150 एकड़ लैंड में बनाया जाएगा। लेकिन इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को टोटल 3 फेसेस में बनाया जाएगा और जब ये लॉजिस्टिक पार्क पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के द्वारा आने वाले 45 सालों में 9,04,70,000 मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की मदद से काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। और अब अगर बात करें अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में तो अपने दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि राम मंदिर भी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, इसी कारण राम मंदिर को विजिट करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक काफी अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनकर तैयार हो चुका है और इंडिगो के द्वारा पहली बार अपने प्लेन को अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 30 दिसंबर के दिन ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि ये एक प्रकार की इनॉग्रल फ्लाइट होगी क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर के दिन दिल्ली से अयोध्या के लिए इंडिगो के द्वारा एक इनॉग्रल फ्लाइट को ऑपरेट किया जाएगा और ये काम एक प्रकार से टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सभी लोगों के लिए कब ओपन किया जाने वाला है तो अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली और अयोध्या के बीच में 6 जनवरी से कमर्शियल फ्लाइट को ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में कमर्शियल फ्लाइट को ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल एक नया एयरपोर्ट है, इसी कारण अगर बात करें इस एयरपोर्ट की सेफ्टी को लेकर तो ऐसा बताया जा रहा है कि सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल और उनकी टीम के द्वारा खुद अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किया गया है और उनके द्वारा ये बताया गया कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोगों के लिए काफी ज्यादा सेफ है और काफी जल्दी इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट को ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। और अब अगर बात करें अपने पहले यानी कि नंबर 1 प्रोजेक्ट के बारे में, अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी या फिर GDP को काफी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उस देश के अंदर बनी सड़कों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा भी ये बताया गया था कि अमेरिका के सबसे ज्यादा रिच बनने का कारण कहीं ना कहीं अमेरिका के सड़कों अमेरिका के हाईवेज को भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि किसी देश की सड़कें और जो हाईवे होते हैं वही बाहर की कंपनी को उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों जो बड़ी कंपनीज होती है वो हाईवेज के इस्तेमाल से अपने सामान को देश के किसी भी भाग में आसानी से पहुंचा सकती है। और अगर बात करें इंडिया के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर के दिन नितिन गडकरी जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर रिटर्न में एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिप्लाई दिया गया है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये बताया गया कि 2014 तक इंडिया के अंदर टोटल 91,287 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का नेटवर्क था जो कि 2023 में बढ़कर 1,86,000
41,145 किलोमीटर तक हो गया है, यानी कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में हमें इंडिया के अंदर लगभग 55,000 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का नेटवर्क देखने को मिला है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी के द्वारा बताया गया कि अब हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके अलावा 4 लेन वाले सड़कों के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी कि नितिन गडकरी जी का कहना है कि आपको इंडिया के अंदर जितनी भी 2 लेन वाली सड़कें देखने को मिलती है उन सभी 2 लेन वाली सड़कों को अब 4 लेन वाली सड़कों से कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जी के द्वारा बताया गया कि मार्च 2024 में इंडिया के अंदर आपको 27,517 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले हाईवे देखने को मिलते थे, जिनको अब काफी तेजी से 4 लेन नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि करंटली 2023 में इंडिया के अंदर आपको 2 लेन वाले नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो अब केवल 14,870 किलोमीटर लंबा ही देखने को मिलता है, जो कि 2014 में 27,517 किलोमीटर लंबा देखने को मिलता था। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नई सड़कों या फिर नए नेशनल हाईवे को बनाने के लिए कई बार पेड़ों को भी काटना पड़ता है, लेकिन दोस्तों NHAI के द्वारा ये बताया गया कि आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि NHAI के द्वारा न केवल नए नेशनल हाईवे को काफी तेजी से बनाया जा रहा है, बल्कि NHAI के द्वारा 2016 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 3,46,00,000 नए पेड़ों को लगाया गया है। बेसिकली ये एक प्रकार का ग्रीन इनिशिएटिव है जो कि NHAI के द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी 3,46,00,000 नए पेड़ों को जो नई सड़कें या फिर जो नए नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं वहीं पर इन पेड़ों को लगाया गया है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।